हेलो एवरीवन, अनुज अटारी की यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं हूं अनु और मैं हर वीक होम डेकोर और DIY रिलेटेड वीडियोस बनाती हूं। अगर आप ऐसे वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको मेरे वीडियोज के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आते रहे। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको थैंक यू मुझे मोटिवेटेड रखने के। तो आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो बेसिकली आज का जो वीडियो है ये एक्सपेरिमेंटल टाइप वीडियो आप बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने ट्राई किया इस वीडियो में कि कैसे सेरामिक प्लांटर, प्लास्टिक प्लांटर और एक टेराकोटा प्लांटर को हम तीन डिफरेंट तरीके से DIY करके एक खूबसूरत सा लुक दे सकते हैं। लेकिन ये मैंने देखा कि तीनों को डिफरेंट तरीके से हमें रिक्रिएट करना होगा। तो आप भी देखिए क्या क्या किया है इस वीडियो। तो जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, मेरे पास ये तुलसी का प्लांटर है जो कि सेरामिक का है, और इसका जो डिज़ाइन है, जो भी ओवरऑल लुक है, ये मुझे इतना खास अच्छा नहीं लगा था। मैंने इसको जब ख़रीदा था तो मैंने सोचा था इसको अपना एक अलग लुक दूंगी। और इस पर जो आप देख सकते हैं, जैसे लक्ष्मी जी, गणेश जी का जो इमेज है उसमें भी आउटलाइन ठीक से नहीं हुआ है, जो कि अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने सोचा इसको एक ऑथेंटिक लुक देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा गांव में या पुराने ज़माने में, जैसे मट्टी से लेप करके गमले में डाला जाता था तुलसी, और वो बहुत ही खूबसूरत लुक देता है। तो मैंने ये ट्रेडिशनल ऑथेंटिक लुक देने की इस तुलसी प्लांटर को कोशिश की है। तो इस वीडियो में आप देखेंगे कैसे मैंने इसको किया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने सोचा कि इसको एक ऑथेंटिक लुक देने के लिए सबसे पहले वो मट्टी का, जो हमारी धरती माँ का जो कलर होता है, जो पुराने ज़माने में यूज़ करते थे हम लोग, हमारी दादी माँ, नानी माँ, एक सिंपल से पॉट को, टेराकोटा पॉट ही होता था, लेकिन उसको ऐसे मट्टी से पूरा सुंदर से लेप देती थी और उन पे जो डिज़ाइन बनाती थी, सिंपल सा वो चावल का, वो जो आप देखते होंगे उसका पेस्ट बना के उसमें इतना खूबसूरत डिज़ाइन बना देती थी, वही करने की मैंने इसमें कोशिश की है। तो ऑब्वियसली हम लोग उतने तो क्वालिफाइड हैं नहीं कि हम उतना अच्छा लुक दे पाए। तो मैंने यहाँ पर बेसिक टेराकोटा कलर पहले तैयार किया, जो कि है ऑरेंज और रेड कलर को मिला के। उसके बाद मैंने इसमें डाला बेकिंग सोडा, मेरे पास रुचि का बेकिंग सोडा था, और इसको मैंने इसमें मिला दिया। आप इसको जितना मिलाएंगे ना, ये उतना ये टेक्सचर्ड लुक देगा इसको, तो आप उस हिसाब से इसको मिलाइएगा। तो मैंने इसको अच्छे से मिला दिया। अच्छे से मिला देने के बाद मैंने इस पर एक कोटिंग दिया। पहला कोटिंग ना आप देखेंगे कि इतना अच्छा से नहीं होगा, आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे जब आप ये अगर ट्राई करेंगे तो। पहला कोटिंग अच्छे से नहीं होगा तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। पहला कोटिंग में थोड़ा ऊपर नीचे कलर भी पूछ जाएगा, ये हो जाएगा, वो उसका सब सोल्यूशन है, आप देखेंगे वीडियो में। तो मैंने इसको पहले तीन कोट्स दिए हैं, तब जाके इसका ये फाइनल लुक आया है। अब जितना कोटिंग देंगे उतना डार्क होता जाएगा। मेरे को तीन कोट में मेरे को ये एकदम अच्छा, मेरे को जैसा डिज़ायर्ड लुक था मुझे वैसा मिल गया। और अब मैं इस पर वाइट से, जैसे कि मैंने बताया आपको, वैसा वाइट से मैं इस पर डिज़ाइन बनाऊंगी। मैंने यहाँ पे फेविक्रिल का 3D आईलाइनर कोशिश की करने की यूज़, लेकिन वो ऐसा मेरे से, मुझे नहीं लगा इतना वो इस पर बैठ रहा था मेरा हाथ, तो मैंने वही नॉर्मली अपना ब्रश यूज़ किया, जो बहुत ही बेटर लगा मुझे यूज़ करने में। और यहाँ पे मैंने ईयरबड्स भी यूज़ किए वो प्रॉपर सर्कल बनाने के लिए। यहाँ पे जो मैंने गणेश जी और लक्ष्मी जी का जो आप देख रहे थे, एक तो ऐसा इमेज था, उस पर मैंने सिंपली आउटलाइन कर दिया है। जितना पॉसिबल हुआ मैंने उतना आउटलाइन कर दिया, जितना हो सके मैंने उसको सिंपल रखने की कोशिश की है, ज़्यादा मैंने कुछ भरा नहीं है इसको डिज़ाइन से पूरा। और सेम पैटर्न मैंने चारों तरफ फॉलो किया है, ऊपर नीचे, और बस बीच में जो इमेज था भगवान जी का, ये श्री या ओम जो भी है, उसको मैंने बस ऊपर से ऐसे आउटलाइन कर दिया, और कुछ मैंने ज़्यादा इसको किया नहीं।
और अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सब पैटर्न सब ड्रॉ होने के बाद मैंने इसको पूरा अच्छे से सूखने के लिए छोड़ दिया एक दिन के लिए। और वार्निश का एक कोट देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि सेरामिक का जो स्मूथ सरफेस है उससे ये कलर आराम से निकल जाएगा थोड़ा भी गीला होने से। तो हमें वार्निश की बहुत ज़रूरत है इसको एकदम स्टिक रखने के लिए और इसको लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए। तो आप देख ही सकते हैं, ये रहा हमारे तुलसी प्लांटर का फाइनल लुक। हमारी तुलसी माता जी नए नए खूबसूरत से दिखने वाले ऑथेंटिक प्लांटर में कैसी दिख रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो अब चलते हैं हमारे सेकेंड एक्सपेरिमेंट की तरफ, जो है हमारा टेराकोटा प्लांटर, जो कि बहुत ही कॉमनली हर घर में पाया जाता है। तो ये छोटू सा टेराकोटा प्लांटर, जिसको बहुत ज़रूरत थी कि इसको एक न्यू लुक मिले, उसको मैंने अच्छे से, पहले तो इसमें एक मट्टी की परत जम गई थी जो पानी से सीलन से हो जाती है, अगर उसको नहीं हटाया तो कलर भी सब उसी के साथ उतर जाएगा। तो मैंने उसको अच्छे से स्क्रब कर दिया और सारे डस्ट पार्टिकल्स को हटा दिया। वीडियो में जैसा आप देख पा रहे हैं, मैंने एशियन पेंट्स का वॉल पेंट यूज़ किया है एज अ बेस कोट। ये बात आप हमेशा याद रखिए कि अगर आप टेराकोटा प्लांटर में डायरेक्ट प्लांट लगाना चाहते हैं तो इसको कभी भी ऑयल पेंट से कलर ना करिएगा, क्योंकि इसकी जो होल्स है जिससे ऑक्सीजन मिलता है हमारे प्लांट्स के रूट्स को, वो ब्लॉक हो जाता है। वॉल पेंट्स वैसा नहीं होता है। तो अगर आप इसमें डायरेक्ट प्लांट लगाएं तो ये गलती कभी ना करें, नहीं तो अगर आप इसमें और एक पॉट रखना चाहते हैं, इसे एज अ डेकोरेटिव आइटम ही यूज़ कर सकते हैं, तो आप ऑयल पेंट कर सकते हैं, क्योंकि वो कभी निकलेगा नहीं। बेस कोट अच्छे से सूख जाने के बाद ऐसा ये लुक आएगा इसका बनके। और उसके बाद मैंने इस पर अपना चॉइस के हिसाब से कलर और पैटर्न आप जैसा चाहें, चाहे आप पिनइंटरेस्ट से या कहीं से भी इंस्पिरेशन लेके इस पर आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इस पर कैसे क्या ड्रॉ किया है, पैटर्न तो आपकी मर्जी का हो सकता है, ईजी हो बहुत ईजी हो, मैंने बहुत ईजी करने की कोशिश की है, क्योंकि सबको इतना आर्ट आता नहीं है, सबको इतना ड्राइंग आता नहीं है, तो इसलिए मैंने इस वीडियो में कोशिश की कि जितना हो सके सिंपल पैटर्न, ट्रेंडी भी हो और बहुत ही खूबसूरत भी। वीडियो में आप जैसा देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने लीफ के कुछ पैटर्न्स ड्रॉ किए हैं। आगे आप देखिए मैंने इसमें क्या क्या बनाया है। मैंने कुछ दिन पहले गूगल में देखा कि आर्ट वीडियोस देखने से इंसान का स्ट्रेस रिड्यूस हो जाता है, तो अभी आप कुछ नया सीख भी रहे हैं और साथ साथ आपका माइंड भी रिलैक्स हो रहा है और स्ट्रेस भी कम हो रहा है। तो चलिए आगे आप देखते जाइए। टेराकोटा प्लांटर पर मैंने वार्निश का कोट नहीं किया, इस पर मैंने खाली सिंपल फेविकॉल में वाटर मिला के इस पर कोटिंग कर दिया है, और ये अब प्रोटेक्टेड रहेगा, इसको अब ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं पहुँचेगा, नहीं हमारा ये पैटर्न ख़राब होगा। और ये हमारा बनके तैयार है बहुत ही ट्रेंडी लुकिंग प्लांटर, जो कि आपके घर को एक खूबसूरत सा लुक ज़रूर देगा। तो अब हम चलते हैं अपने लास्ट एक्सपेरिमेंट की तरफ, जो कि हमारा हो गया एक प्लास्टिक कंटेनर को लेकर।
इस हिसाब से आपको इसमें रैंडम पैटर्न्स बनाने हैं, और ऐसा कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है, आपको इसमें कोई स्पेशल टैलेंट की ज़रूरत नहीं है, ऐसा आपको बस पैटर्न्स बनाते जाने हैं। यहाँ पे मैंने हर कलर को दो कोट किया है, और जो वाइट में पैटर्न बनाए हैं उसको भी मैंने दो कोट से फिनिश किया है ताकि वो खिल के बाहर आए। यहाँ पे मैंने, मेरे को सर्कल बनाना था तो इस पर मैं ये कैप मैंने यूज़ किया है, और उसके बाउंड्री पे मैंने इसे कलर लगा दिया और उसको ऐसे प्रेस कर दिया जिससे ये एक रफ सर्कल का मुझे बाउंड्री मिल जाए जिससे मैं एक रफ सर्कल बना सकूँ। ऐसा एकदम परफेक्ट सर्कल इधर बनाना नहीं है। तो जो हमारा थर्ड एक्सपेरिमेंट था कि प्लास्टिक पॉट को न्यू लुक कैसे दिया जाए, ये हमारा पोको लुक इंस्पायर्ड प्लास्टिक प्लांटर बनके एकदम तैयार है, जो कि बेहद ही खूबसूरत लग रहा है। आउट ऑफ द थ्री ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। आपको कौन सा अच्छा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मैं मिलती हूँ आपको नए DIY के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।